नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोटैटो हिंदी की एक नया समाचार पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आलू का ग्राउंड रिपोर्ट करने आए हैं उत्तर प्रदेश की फारुखाबाद की सातनपुर मंडी पे। दोस्तों, अभी हम इस मंडी के किसानों और व्यापारियों से बात करेंगे और जान लेंगे इस मंडी पे आज आलू का क्या रेट है, इस मंडी पे आज कितनी गाड़ी आलू की अराइवल हुई है तथा इस मंडी की आलू संपर्कित सभी जानकारियां। दोस्तों, फारुखाबाद की आलू संपर्कित इस रिपोर्ट को तूफान की गति पे शेयर कीजिए आलू संपर्कित सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। और हाँ, अगर आप चैनल पे नया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए। मेरी फर्म है राजेश सिंह राजपूत एंड कंपनी। और आज मंडी में आमदनी लगभग कितनी होगी? आमदनी हमारे अनुमान से 200 मोटर होगी। कुछ लोग 150 बता रहे, कुछ 200 बता रहे, कुछ 200 के ऊपर बता रहे। हमारा अनुमान 200 के आसपास है। अभी फरुखाबाद क्षेत्र में खुदाई लगभग कितने परसेंट हो गई है? फरुखाबाद कुछ क्षेत्र में 90% 95% हो गई, कुछ क्षेत्र में 10-20% बची है। अब जैसे हमारा क्षेत्र है 99% खुदाई हो चुकी है। 99%? हाँ, हमारा क्षेत्र पड़ता है याकूतगंज क्षेत्र। और ये डंप कितने परसेंट लगाया जा रहा होगा? डंप ये नहीं कि कितने परसेंट लगाया जा रहा, पिछले साल से कम नहीं है डंप और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। सस्ता है इसलिए घबराहट है लोगों को, ज़्यादा है आलू तो ज़्यादा है ही, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। और अभी आलू के भविष्य में, 2023 में आलू का भविष्य कोई नहीं बता सकता है और ना कोई आलू का गणित होता है, किसी का कोई भविष्य नहीं बताएगा कि क्या होता है। अब जैसे सरकार की तरफ से किसानों की तरफ वो पेपर पड़ा होगा 15,000 टन जाएगा, ये जाएगा, उसमें किसान भ्रमित हो जाता है कि आलू महंगा होगा। उनकी ग्रीडिंग बहुत है, उनकी ग्रीडिंग के हिसाब से कोई दे ही नहीं पाएगा आलू। कई साल ऐसा हुआ है, हमें बहुत साल हो गए मंडी में रहते, कई साल ऐसा हुआ कि सरकार ने मांगा आलू, लेकिन उस क्वालिटी के आलू किसान कहाँ से दे। उसे क्वालिटी चाहिए, ये साइज इतना बड़ा नहीं चाहिए, इतना छोटा नहीं चाहिए। और सुनिए मेरी बात सुनो, जो बोल्डर आलू है वो उसका किसान फिर क्या करेगा, या जो छोटा आलू दाना है वो क्या करेगा। जैसे ज्योति आलू पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी सरकार ने 650 रुपये क्विंटल 10 लाख टन आलू खरीदने की मांग रखी है, वहाँ पर भी किसान नहीं दे रहे यार। नहीं, मजबूरी है किसान की। किसान अब ये करिए, किसान का एक बीघा में जैसे 25 क्विंटल 30 क्विंटल या 20 क्विंटल जैसा निकलेगा, ठीक है, 20 क्विंटल आलू या 30 क्विंटल आलू में से उन्हें आलू कम करीब 60% उन्हें माल चाहिए। किसी आलू में 40% मिलेगा उनकी क्वालिटी को, किसी में 70% मिलेगा, जो बाकी बचेगा 40% 30% आलू, वो आलू किसान क्या करेगा। वो 650 में ले लेंगे, फिर वो नहीं पूछेगा कोई 200 रुपये में। सरकार सब ले ना, सरकार जो भी जिसकी क्वालिटी है सबका, अब उसका जैसा निकले माल उसे रेट रखे आप कि जे आपका 600 वाला है, आपका 500 वाला है, पूरा माल तोला जाएगा तब दे पाएगा किसान। आज के रेट में मंडी क्या रेट रही? मंडी में 400 में भी बिका, 600 में बिका, 611 तक हमने बेचे, 411 बेचे, 531 रुपये बेचे। कल से कैसी बिक्री अच्छी है? शनिवार से थोड़ा डाउन है बाजार, 50 रुपये। हाँ, कम से कम 50 रुपये। और ये फरुखाबाद क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज फुल हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? नहीं, ये तो हमने कहा नहीं, आलू का भविष्य कोई नहीं बता पाएगा। नहीं, कोल्ड स्टोर में कितने परसेंट भरे होंगे अंदाजा? हाँ, वो तो 70-75% बता रहे लोग हो रहे। जैसे छोड़ा मऊ और ये बैंकपुरी में जो जीटी रोड पे कोल्ड स्टोर है वो सभी फुल हो गए। और हमने 8 तारीख को सिरसागंज में वीडियो बनाई थी, सिरसागंज में उस दिन 20-25% स्टोर भरे हुई थी, तो लेट सिरसागंज में तो बता रहे नहीं फुल हो पाएंगे। ऐसा है, जैसे आपने कोल्ड मालिकों से बात की होगी, ठीक है, उन्होंने बता दिया फुल हो गया। अभी हमारे यहाँ कृषि उत्पादक आयुक्त आए थे तो उन्होंने जांच की थी, तो कोल्ड वालों ने कहा कि कोल्ड फुल हो गए, लाइन लगी, जो कई कोल्डों में गए, तो किसी ने कहा हमारे यहाँ 60% हो गया, किसी ने कहा 35% हो गया, और जब उन्होंने देखा तो 20% 30% माल कम पाया गया। तो कुछ लोग झूठ भी बोल देते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को भी संदेश देना चाहते हो?
किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं, जैसे सरकार जो डिमांड कर रही है वो कह रहे 15,000 कितना लाख टन वो माल खरीदा जाएगा, इस चक्कर में किसान भ्रमित ना हो। मतलब सरकार खरीदेगी या निर्यात करेगी अच्छी बात है, लेकिन हम सरकार को भी संदेश है कि सरकार जो भी माल ले किसानों का पूरा माल ले, वो छोटा साइज भी ले बड़ा साइज भी ले बीज का भी ले, तब किसान दे पाएगा। इसमें तो किसान फिर किसान को नुकसान होगा, वो बोल अच्छा अच्छा साइज सरकार ले लेगी, फिर वो ऊपर नीचे वाला साइज कौन लेगा, कहाँ ले जाएगा किसान। दोनों के लिए संदेश है, किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी। किसान उस चक्कर में भ्रमित ना हो कि हमारा अब आलू महंगा होगा महंगा होगा, हो सकता हो जाए महंगा, ये गारंटी नहीं है, और ये भी गारंटी नहीं है कि मद्दा ही रहे। किसान का भी संदेश है, सरकार को भी संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार भी ये पूरा माल ले, उसकी व्यवस्था करे। जैसे किसान ज़्यादा घबराए नहीं, घबराहट है किसानों में, किसान तसल्ली से बिक्री करें। हाँ तसल्ली नहीं, वो तो किसान के ऊपर है, और हर किसान की अपनी आर्थिक स्थिति देख के ही अपना काम करें। अगर उसे गुंजाइश हो अपना रोक के बेचें, नहीं गुंजाइश है अपना, अगर उसे लग रहा है कि आगे मद्दा होगा तो अपना बिक्री कर ले। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका भाई साहब? अनुराग यादव। आप किस जगह से आए? मैं आया हूँ बीसलपुर बांगर पोस्ट उखरा जनपद फरुखाबाद। और आपके क्षेत्र में आलू कटाई कितनी हो गई है? हमारे क्षेत्र में 85% और कोल्ड स्टोर भर गए या नहीं भर पाए? कोल्ड स्टोर ना ही भरे, लेकिन आलू ना ही डाले जाते हम लोगों के। कोल्ड स्टोर भर सकते हैं? कोल्ड स्टोर तो मुश्किल है, 70% भैया भर जाते बिल्कुल भर जाएंगे। 70% की हम अपनी जानकारी बता रहे हैं, 70% मंडी में बिकने का राम। आज ये आप कौन सा आलू लेके आए? ख्याति। क्या रेट बिका आपका? हमारो साहब बेचो 401। 401 रुपये क्विंटल? क्विंटल 401 रुपये क्विंटल। क्विंटल बाम 10 किलो कद्दा? 10 किलो कद्दा? कोई दागी वगैरह आलू था क्या? ना ना ना, वो पड़ते दागी है और जाम कच पत्ता हुआ है। सबरती आपने मनमानी बेचत, कातकार पूछ के धोरो बेचत, अपने मन से बेच दंगुरिया चलाएगी जाम भाव। और ये आपके यहाँ लगभग पैदावार कैसी है? पैदावार 60-70 पैकेट है। क्या 70-75 पैकेट? हाँ ठीक है। और 1 बीघा आलू उगाने में लागत कितनी आ जाती है भैया? लागत 12,000 की तो खादी पद प्लस जुताई खुदाई दुनिया 20-22,000 रुपया बिगा लागत। मेहनत नहीं निकलती मेहनत मैं यहाँ तक आने में, कोल्ड तक आलू रखने में 20-22,000 रुपया। तो उस हिसाब से नुकसान है? नुकसान बहुत ज़्यादा है। खेत बिक जाए तो निपट दी, बहुत ज़्यादा है। और लोग बैंक वाले मारे डात, कर्जा वाले मारे डात, खादी वाले मारे डात। आज मंडी में आमदनी कितनी होगी? लगभग 150-200 लगभग। आगे कोई उम्मीद है? हमें तो नहीं लग रही था उम्मीद जा आग छोड़े हैं आलू करीब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन सिंह कुशवाहा। आप किस जगह से आयु? नया गांव हुसैनपुर हड़ाई। नया गांव हुसैनपुर हड़ाई। ये कौन जिले में है? जिला फरुखाबाद। जिला फरुखाबाद। और ये जो आपका कौन सा आलू है? न्यू हाईलैंड है। क्या रेट बिका है आज? आज का रेट 400 रुपये कुंटल बिका हुआ है। ये आप देख सकते हैं न्यू हॉलैंड आलू है, ये 401 रुपये कुंटल बिका है। हाँ, और पैदावार कैसी है इसकी? पैदावार तो यानी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ख़राब होने के कारण जो है बेल जलसा वगैरह लग गया। हाँ जी। कितने कट्टे बीघे निकल रहा है? निकला आपका ये ऐसा निकला होगा 40 पैकेट निकला होगा 1.5 बीघे में। 1.5 बीघे कम निकला? हाँ। तो न्यू हाईलैंड में आलू में कितनी लागत लगेगी? न्यू हाईलैंड में सीमित लगती है, कोई ज़्यादा नहीं लग रही है। और आपके क्षेत्र में आलू खुदाई कितनी हुई है? मेरे यहाँ करीबन 50% खुदाई भी पाई हुई है। और कोल्ड स्टोर कैसे भर गई? कितने कोल्ड स्टोरेज बता रहे हैं कि लाना बंद हो रहा है क्योंकि 80% जो है आलू भंडारण हो चुका है। 80% भर चुके हैं? हाँ। आपको कोई अंदाजा होगा कितने कोल्ड स्टोर होंगे आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में लमसम में अरे 5-4-5 कोल्ड स्टोरेज हैं। 4-5 जिले के पता नहीं है।
मैं राजेपुर ब्लॉक के बात कर रहा हूँ। पिछले साल की अपेक्षा आलू की पैदावार कैसी है? पिछले साल से ज्यादा पैदावार अच्छी है। ज़्यादा अच्छी है? हाँ, अभी बहुत जगह पर खुदाई नहीं हो पा रही है। आपको कोई अंदाज है जैसे आलू आगे किसानों को कोल्ड स्टोर में रखने से फायदा होगा या फिर अभी बेचने से, उस बारे में आप कुछ बताइए? उसमें तो भाई अनुभव नहीं चल रहा है कि क्या तो फायदा होगी या नहीं होगी। इसके बावजूद मैं तो मान लो हमारे पास जितना आलू था मैं बेच चुका हूँ। अपने स्टोर में नहीं रखा? ना, मैंने नहीं रखा है, करीबन बीज के लगभग थोड़ा ही डाला हुआ है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? रिंकन राठौर। और आप किस जगह से आए? हम गंगा पार नगरा चौधरपुर से। और आपके तरफ आलू कैसी पैदावार है? आलू की पैदावार सही है हमारी तरफ। पिछले साल से कैसी है? पिछले साल से भी सही है। आज ये जो आलू आपने बेचा है क्या रेट बेचा? आज हमने आलू बेचा है 501 रुपए क्विंटल। कौन सा आलू था ये? हमारा आलू ख्याति आलू था। ख्याति आलू। और आपके तरफ कोल्ड स्टोर भर गए या नहीं भरे? भर गए हैं, आधे थोड़े बहुत खाली हैं। ये आपका गांव किस जिले में पड़ता है? हमारा हरदोई जिले में पड़ता है। हरदोई जिले? हाँ। और पिछले साल की सही पैदावार है? पिछले साल से अच्छी है। अच्छी है। और जो आपने आलू लगाया है उसमें लागत एक बीघे में लागत तो हमें मालूम नहीं है, फिर लागत भी काफ़ी आ जाती है। नहीं, कितने हज़ार रुपये बीघे का आया? 15,000 रुपये बीघे आती होगी। जैसी लागत आ जाए वैसी तो होगी। जैसी लागत जैसे किसान आदमी लगाता है वैसे लगाएगी। 5,000 लगाएंगे तो 7,000 जो आलू का है 501 रुपए क्विंटल, उस हिसाब से लागत सीधी हो पा रही या नहीं हो पा रही? नहीं, लागत नहीं हो पा रही सीधी। कहाँ से लागत सीधी हो जाएगी जब आलू इतना मद्दा बिछ रहा है? और स्टोर में स्टोर फुल हो गए या नहीं हुए? स्टोर फुल हो गए, स्टोर में नहीं ले रहे, कम ले रहे स्टोर में। और जो किसान स्टोर में आलू रख रहे हैं उस हिसाब से किसानों को स्टोर में पैसे मिल सकते हैं? नहीं जी, नहीं, उसमें तो देने पड़ते हैं ना। और देने पड़ते हैं, बहुत दिक्कत होती है डालने में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल किशोर है। आप किस जगह से आई? हम अल्लागंज से आए। ये कौन से साजनपुर जिले में? ये आलू जो दिख रहा है कौन सा आलू है? ख्याति है। आप देख सकते हो ये ख्याति आलू है। क्या रेट बिका भाई साहब? ये 531 रुपये क्विंटल। और आलू कैसी पैदावार है? 60 पैकेट की है मेरी। 60 पैकेट बीजे के। और आपके तरफ खुदाई कितनी हो गई है? खुदाई तो लगभग हो चुकी है, 10-15% रह गई। 10-15% रह गई। और कोल्ड स्टोर भर गए या नहीं भर पाए अभी? जो बार दाना जो लोग लिए हुए हैं अभी तो उनका रह गया, बाद बाकी बिना बार दाना के नहीं लेते। जो बार दाना लेके आए स्टोर से काटा हुआ है उतनी क्षमता उन्होंने रखी है, बिना बार दाना वाला नहीं लेते। और पिछली साल की अपेक्षा पैदावार कैसी है? और स्टोर में जो आलू रख रहे हैं किसान उसमें कीमत किसानों को मिल सकती है या नहीं मिल सकती? आपका दादा क्या नाम है? आप किस जगह से आई? अल्लागंज से। तो एक साथ ही आई? आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई किसानों को संदेश देना चाहते हो? चाहे आलू इस स्थिति में किसान क्या करें, आलू बेचें या डंप लगाएं या स्टोर में रखें, क्या कैसे फ़ायदा होगी उनको? डंप लगते नहीं आपके क्षेत्र में? और आपके क्षेत्र में लगभग कोल्ड कितने होंगे? दो। आपका इंडिया पोटैटो हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।